हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, मैं निशु, हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र पूर्वालोकन के शॉर्ट नोट्स जो आपको UP RO प्लस UPPC 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको इसकी PDF परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं और वहाँ से PDF भी आपको प्राप्त हो जाएगी। आइए आज का हमारा जो सेकेंड चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकेंड चैप्टर क्या है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, इनके बारे में हम देखते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है या फिर फर्स्ट पॉइंट है, कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो मुगल सम्राट द्वारा कौन नियुक्त किया गया था अंतिम गवर्नर, तो मुर्शिद कुली खां थे। ये मुर्शिद कुली खां को नियुक्त कौन किया था, तो फरूख सिया ने नियुक्त किया था। कब किया था, तो 1717 में नियुक्त किया था। और मुर्शिद कुली खां ने एक काम किया था, इन्होंने अपनी राजधानी को ढाका से ले जाकर कहाँ बनाया था, तो ढाका से ले जाके मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाई थी। और इन्होंने एक भू राजस्व व्यवस्था स्टार्ट की थी जिसका नाम क्या था, इजारेदारी व्यवस्था। क्या था, इजारेदारी व्यवस्था। कौन स्टार्ट करता है पूछता है, तो ये आपके मुर्शिद कुली खां स्टार्ट करते हैं। आगे देखें हम, इसमें क्या होता है कि जैसे किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। सेकेंड हमारा पॉइंट है, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। अब ये प्लासी का युद्ध कब हुआ आपका, तो 23 जून 1757 को आपका प्लासी का युद्ध हुआ। ये कहाँ हुआ था, तो पश्चिम बंगाल के नदिया जिला था और वहाँ पे भागीरथी नदी थी, वहीं पे ये युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में आपका अंग्रेज़ों का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो क्लाइव जी आपके अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहे थे। अब बंगाल के सिराजुद्दौला जो थे उस टाइम पर बंगाल के नवाब थे, और इनकी तरफ से कौन लड़ रहा था, इनके सेनापति कौन थे, तो जो वफादार सेनापति थे वो आपके मीर मदान थे और मोहनलाल थे। और जो इनके वफादार सेनापति नहीं थे, जो अंग्रेज़ों से जाके मिल चुके थे, वो कौन कौन से थे, तो मीर जाफर का एक नाम आता है, दूसरा आता है यार लतीफ़ का, तीसरे का आता है राय दुर्लभ जी। ये तीनों ही मिल के इनको धोखा देते हैं, जिस वजह से सिराजुद्दौला हार जाते हैं। आगे हम देखेंगे, अगला है हमारा, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है। तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो क्लाइव को माना जाता है। तो क्लाइव को जो है पीड ने कहा था कि वह स्वर्ण से उत्पन्न एक सेनानायक है। तो पीड महोदय ने इनको क्या कहा था, क्लाइव को, कि वह स्वर्ग से उत्पन्न एक सेनानायक है। यहाँ पर स्वर्ण नहीं है, स्वर्ग है, ध्यान से इसको करेक्ट कर लीजिएगा। पीट ने क्लाइव के बारे में ये कहा कि वह स्वर्ग से उत्पन्न एक सेनानायक था, इसीलिए इनको कहा जाता है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भारत में। आगे हम देखते हैं, मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाता है। तो मीर कासिम आपका कहाँ से कहाँ ले जाता है राजधानी, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। और मुर्शिदाबाद कौन लेके आया था, तो ये आपके मुर्शिद कुली खां ढाका से जो है कहाँ पर लाए थे, मुर्शिदाबाद में लेके आए थे। तो ये याद रखिएगा, दोनों ही पूछा जाता है कि मीर कासिम अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ ले जाता है, और मुर्शिद कुली खां जो है अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ले जाता है। तो ये दोनों ही पॉइंट याद रखिएगा। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध किसे, मतलब जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, वो कौन सा था। तो निर्णायक युद्ध था जिसकी तरह, जिसमें क्या हुआ कि भारत में अंग्रेजों को अपनी सुदृढ़ी मिल चुकी थी, वो कौन सा युद्ध था, तो वो आपका बक्सर का युद्ध था जो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को होता है। तो बक्सर के युद्ध को आपका एक निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पे अंग्रेजों को भारत में पूरी तरीके से अपनी सत्ता स्थापित करने का मौका मिल गया इस युद्ध के तहत। अंग्रेजों का नेतृत्व इसमें कौन कर रहा था, तो इस टाइम पे जो है अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। और इसमें नवाब की तरफ से कौन कौन था, तो मीर कासिम थे, अवध के नवाब सुजाउद्दौला थे, और बंगाल के सम्राट आपके, सॉरी बंगाल की करें, मुगल सम्राट आपके शाह आलम द्वितीय थे। मुगल सम्राट मतलब पूरे भारत का जो मुगलों के नवाब थे, वो कौन थे आपके, शाह आलम द्वितीय थे। ये द्वितीय पे फोकस कीजिएगा। और यहाँ पे जो नवाब था बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर जाफर, याद रखिएगा बंगाल का नवाब जो था इस टाइम पर मीर जाफर था। और ये अपदस्त नवाब था, जो मीर कासिम है ये अपदस्त नवाब था, पहले था लेकिन अब नहीं था जब ये युद्ध हुआ है। तो इसमें आपके अंग्रेज़ जीत जाते हैं और नवाब हार जाते हैं, इस तरफ से हम देखेंगे।
तो इसमें दो संधियाँ होती हैं, इलाहाबाद की पहली संधि और इलाहाबाद की दूसरी संधि। तो पहले हम दूसरी संधि के बारे में देखते हैं जो कब हुई, 16 अगस्त 1765 को हुई। शाह आलम द्वितीय को जो है संरक्षण में ले लिया गया अंग्रेजों के द्वारा, प्लस इनको जो है इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र दे दिया गया। इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र जो था आपका अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास था, उनसे लेके अंग्रेजों ने किसको दे दिया, तो शाह आलम द्वितीय को दे दिया। ये आपकी सेकेंड संधि थी, इलाहाबाद की सेकेंड संधि में ऐसा किया गया। आगे हम देखेंगे जो इलाहाबाद की फर्स्ट संधि होती है वो होती है आपका 12 अगस्त 1765 को होती है। तो इलाहाबाद की फर्स्ट संधि के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को जो है अंग्रेजों के यानी या कंपनी को बंगाल तथा बिहार उड़ीसा तीनों की दीवानी सौंप दी। दीवानी मीन्स आपका वित्त, पूरी तरीके से वित्त किसके अधीन हो गया, अब वित्त वाला जो आपका विभाग था वो किसके अधीन हो गया, तो अंग्रेजों के अधीन हो गया। इस टाइम पे जो है संधि कौन करवा रहा था अंग्रेजों की तरफ से, तो क्लाइव को बुलाया गया था ये संधि करने के लिए। फर्स्ट एंड सेकंड की संधि जो हुई वो कौन कर रहा था, आपका क्लाइव आया था उस टाइम संधि करने के लिए, जबकि आपका नेतृत्व तो बक्सर का युद्ध का नेतृत्व तो किसने किया था, तो हेक्टर मुनरो ने किया था। आगे हम देखते हैं यहाँ पे शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार भी हो गया। तो शाह आलम द्वितीय का टाइम चल रहा था उस टाइम, और अंग्रेजों ने क्या किया, दिल्ली पे अधिकार कर लिया। कब किया, तो 1803 ईस्वी में किया था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया, तो हम देखेंगे कि बंगाल में किसे जो है उप दीवान नियुक्त करते हैं, कौन करता है, तो क्लाइव करता है। और किसे किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया जाता है। और इस संधि के बाद जो है नजम उद दौला को 26 लाख रुपए सम्राट को वार्षिक अदा करने के लिए कहा जाता है। ये उस टाइम पे बंगाल के नवाब थे, मीर जाफर के बेटे थे नजमुद दौला, तो उस टाइम पे इन्होंने बंगाल के नवाब के पद पर आसीन हुए, और इन्हीं के तहत जो है दिया गया कि जो शाह आलम द्वितीय हैं मुगल सम्राट, उनको ये 26 लाख रुपए वार्षिक अदा करेंगे। आगे देखेंगे हम 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे, तो सबसे पहले इन जो पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे वो थे खासी। खासियों के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। लोग चावल, नमक एवं सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु एवं सींग का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पनुआ में आते थे ये खासी। तो खासी कहाँ पे आते थे अपना ये व्यापार करने के लिए, तो सिलहट के पास एक पनुआ नामक स्थान था, वहाँ पे ये अपना व्यापार करने आते थे। तो इसी वजह से अंग्रेजों के संपर्क में ये लोग आए खासी लोग। अवध संतलत के हिंदू नवाब वजीर संदर्भ अवध संतलत के तहत जब था, तो हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में हम देखते हैं कि अवध में जो है हिंदू नायब वजीर क्या क्या थे। राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थमंत्री थे, तो राजा टिकैत राय किसके मंत्री थे, अर्थमंत्री नवाब आसफुद्दौला के। अवध के नवाबों के समय राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था, तो जो अवध का नवाब थे वो क्या करते थे, मोस्टली हिंदुओं को ही उच्च पदों पर आसीन करते थे। अगला हम देखेंगे यहाँ पे क्रम देता है युद्ध, मतलब युद्ध रहते हैं कुछ, जैसे आपका अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, इन सभी को क्रम से बिठाने के लिए दिया जाता है। तो अंबर का युद्ध होता है आपका, तो ये कब होता है अंबर का युद्ध, तो सबसे पहले आपका अंबर का युद्ध होता है 1749 में, फिर आपका प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 में, वांडीवास का युद्ध होता है आपका 1760 ईस्वी में, और बक्सर का युद्ध होता है आपका 22 अक्टूबर 1764 में। तो ये सभी युद्ध जो है आपको क्रमवाइज मिलाने के लिए दिया जाता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब अंबर के युद्ध के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगस्त 1749 में मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना ने वेल्लूर के समीप अंबर या अंबुर स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित किया था। तो फ्रांसीसियों के साथ साथ कौन कौन थे, तो मुजफ्फर जंग थे, चंदा साहब इन फ्रांसीसियों के साथ संयुक्त सेना में वेल्लूर के पास जो है आपका अंबर या अंबुर स्थान पर किसको हराया था, तो अनवरुद्दीन को हराया था। मुजफ्फर जंग फिर उसके बाद दक्कन का सूबेदार बनते हैं,
जब अनवरुद्दीन हार जाते हैं तो दक्कन का सूबेदार कौन बनता है? मुजफ्फर जंग बनते हैं। आगे हम देखते हैं आपका वांडीवास का युद्ध। तो जनवरी 1760 में आपका वांडीवास का युद्ध होता है जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य होता है। इसमें फ्रांसीसी आपके पराजित हो जाते हैं। नेतृत्व कौन कर रहा था फ्रांसीसियों का? तो काउंट डी लाली कर रहा था उस टाइम पे। कौन कर रहा था? काउंट डी लाली। और अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आयरकूट कर रहे थे, सर आयरकूट कर रहे। आगे हम देखते हैं यहाँ पे, आगे हमारा है चिलियावाला का युद्ध। चिलियावाला का युद्ध जो है आपका 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। अंग्रेजी का नेतृत्व इसमें लॉर्ड गफ ने किया था और सिख सेना का नेतृत्व जो है शेर सिंह के नेतृत्व में किया गया था। तो चिलियावाला का युद्ध पूछा जाता है, मिलान के लिए मोस्टली ये सभी दिए जाते हैं कि चिलियावाला का युद्ध कब हुआ। तो 13 जनवरी 1849 को चिलियावाला युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था और सिख सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो शेर सिंह ने किया था। इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपके लॉर्ड डलहौजी थे। चिलियावाला युद्ध के टाइम पे आपके गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। ये भी आपका पॉइंट है, याद रखिएगा। खुर्दा का युद्ध, अब हम देखेंगे खुर्दा का युद्ध कब हुआ। तो 1795 ईस्वी में आपके खुर्दा का युद्ध होता है जिसमें निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया यह युद्ध था जिसमें निजाम की हार होती है। तो खुर्दा का युद्ध किनके किनके मध्य होता है? तो मराठों और निजाम के विरुद्ध होता है जिसमें आपकी निजाम की हार होती है, मराठे जीत जाते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो ये आपका क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो कि सबसे ज़्यादा अंग्रेजों का विरोध किसने किया? तो इन्होंने, मराठों ने किया था। किसने किया था? मराठों ने किया था। अब हम देखेंगे अगला हमारा चैप्टर है क्षेत्रीय राज, जिसमें पंजाब और मैसूर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रणजीत सिंह का जन्म देखते हैं कब होता है। रणजीत सिंह से आप लोग वाकिफ होंगे जो पंजाब के राजा बने थे। इनका जन्म होता है 13 नवंबर 1780 को होता है। और ये पूछा जाता है कि ये किस मिसल में जन्म लेते हैं? तो ये सुकर चकिया मिसल में जन्म लेते हैं। इनके जो पिता थे वो मुखिया थे, उनका नाम क्या था? तो महासिंह नाम था इनके पिता का। रणजीत सिंह के बारे में हम देखते हैं, तो रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच एक संधि होती है जो कब होती है? तो 25 अप्रैल 1809 को होती है, अमृतसर की संधि। ये पूछा जाता है आपका कि अमृतसर की संधि किनके किनके बीच होती है? तो अंग्रेज और रणजीत सिंह के मध्य होती है। कब होती है? तो 1809 में होती है। और इसे कौन सी संधि के तहत होती है? तो अमृतसर की संधि के तहत। इसमें ये कहा गया कि रणजीत सिंह का जो क्षेत्र है वो अपने क्षेत्र में रहे, अंग्रेज जिस क्षेत्र में है वो अपने क्षेत्र, मतलब कोई एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करे। तो ये हो गया आपका अमृतसर की संधि। अगला हम देखेंगे, तो रणजीत सिंह ने जो है 1818 में मुल्तान को अपने राज्य में मिला लिया। फिर 1819 में कश्मीर को मिलाते हैं। 1834 में इन्होंने पेशावर को भी जीत लिया। तो टोटल आपके रणजीत सिंह के 4 राज्य होते हैं, मेनली जो है आपके 4 क्षेत्र होते हैं, जिसमें कौन कौन सा आएगा? मुल्तान आएगा, सेकंड पे आपका कश्मीर, थर्ड पे आपका पेशावर, फोर्थ पे आपका कौन आएगा? तो लाहौर आएगा। लाहौर के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आगे देते हैं। तो यहाँ पे लाहौर को इन्होंने अपनी राजधानी भी बनाई थी। और इनके अधिकार में कब आया? तो 1799 में लाहौर पर ये अधिकार करते हैं। तो ये लाहौर इनको कैसे मिलता है? तो अफगानिस्तान के शासक जमान शाह थे, इनकी जो है पंजाब में ये आक्रमण करने आए थे। तो ये जाते समय इनकी तोप जो है किस में गिर जाती है? तो नदी में गिर जाती है, जिसको निकलवा करके रणजीत सिंह जमान शाह को वापस करवा देते हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में ये कहते हैं कि आप लाहौर पे अधिकार कर लीजिए। तो 1799 में लाहौर पर अधिकार कर लेते हैं। कौन करता है? तो रणजीत सिंह करते हैं। और इसको अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाते हैं। किसको बनाते हैं? लाहौर को। जबकि इनकी धार्मिक राजधानी कौन थी? तो अमृतसर इनकी धार्मिक राजधानी थी। तब हम आगे देखते हैं पॉइंट अपना। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय इनकी जो है तोप चिनाब नदी में गिर जाती है। कहाँ गिरती है? चिनाब नदी में। तो रणजीत सिंह निकलवा कर इसे वापस इनके पास भिजवा देते हैं, जमान शाह के पास। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट है हमारा, यहाँ रणजीत सिंह लिखा है, रणजीत सिंह या रणजीत सिंह जो भी दिया रहे सेम ही बात है। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? तो अदालत ए आला की स्थापना इन्होंने लाहौर में की थी। और ये न्याय व्यवस्था में कठोर थे, इनकी न्याय व्यवस्था बहुत कठोर थी। और स्वयं ये प्रधान न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो रणजीत सिंह ही मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो आगे हम देखेंगे इस यहाँ पे शाह सूजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से
सहायता मांगी। रणजीत सिंह से कहा कि हमें सहायता दे दो ताकि हम काबुल का राज्य जीत लें, और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया। तो इन्होंने सहायता दी होगी तो इन्होंने क्या किया था, इनको कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जो आज इंग्लैंड में रखा हुआ है संग्रहालय में, वही हीरा है ये। देखते हैं हम, किसने कहा कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आँख की रोशनी ले ली है। तो ये जो है रणजीत सिंह के बारे में कहा जाता है, इन्होंने ही कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए इनकी दूसरी आँख की रोशनी चली गई है। तो ये एक आँख से अंधे थे, ये भी समझ लीजिएगा कि रणजीत सिंह के एक ही आँख से देख पाते थे, फिर भी इतनी अच्छी इनकी व्यवस्था थी, समझ सकते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा, 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, और इनके बाद जो है इनका पुत्र खड्ग सिंह जो है सिंहासन पर बैठता है। इनके पुत्र का क्या नाम था, खड्ग सिंह। अगला पॉइंट है हमारा, दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक होते हैं। इन्होंने जो है 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया था। किसने किया था, तो दिलीप सिंह ने 1843 से लेकर 1849 ईस्वी तक शासन किया, और ये अंतिम सिख थे जो शासन कर रहे थे। तो 23 अक्टूबर 1893 ईस्वी को पेरिस या फ्रांस में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इन्होंने एक काम किया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि दिलीप सिंह जो है ईसाई धर्म अपना लेते हैं, सिख धर्म को छोड़ के कौन सा धर्म अपनाते हैं, आपका ईसाई धर्म अपना लेते हैं। और इन्होंने रूस की भी यात्रा की थी, और इनकी जो अंत्येष्टि या दाह संस्कार हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। तो ये बात याद रखने की है कि इनकी दाह संस्कार या अंत्येष्टि कहाँ हुई, इंग्लैंड में हुई। अगला हमारा पॉइंट है, 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति हो जाती है। इस पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब को जो है विलय कर लिया जाता है सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध में, और दिलीप सिंह को जो है पेंशन देकर कहाँ भेज दिया जाता है, तो ब्रिटेन में। तभी इनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है, और वहीं पर इनकी अंत्येष्टि भी होती है, दाह संस्कार भी हो जाता है वहीं पर। तो अगला हम देखेंगे, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्न में से कौन तीन परिषद का सदस्य नहीं था। तो जब 1849 में दिलीप सिंह को हटा दिया जाता है, पंजाब का जो है विलय कर लिया जाता है, तो डलहौजी ने काम किया था कि डलहौजी ने पंजाब का शासन चलाने के लिए तीन सदस्यीय परिषद का गठन किया था। उस सदस्य में कौन कौन थे उसके बारे में हम देखते हैं। तो हेनरी लॉरेंस जो थे इसके अध्यक्ष थे सदस्य मतलब परिषद के, और जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मॉलसिल को जो है सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। किसने किया था, तो डलहौजी ने किया था। यहाँ पे ये क्वेश्चन पुट अप हुआ था कि तीन परिषद के सदस्य में कौन जो थे सदस्य नहीं थे, तो यहाँ पे H.M. इलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी जो थे इसके सदस्य नहीं थे। ये याद रखिएगा कि ये सदस्य नहीं थे, जबकि हैं हेनरी लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मॉलसिल, ये दोनों जो थे सदस्य थे। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में देखेंगे, ये कब से कब तक होता है, तो 1767 से लेके 1769 ईस्वी तक होता है, अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य होता है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किनके मध्य होता, तो अंग्रेज और हैदर अली। इसमें जो है निजाम मराठे जो है और अंग्रेज एक साथ में थे, निजाम मराठे और अंग्रेज तीनों एक साथ में थे, और हैदर अली के विरुद्ध ये त्रिगुट संधि में सम्मिलित हो गए। मतलब त्रिगुट किसको कहेंगे हम, निजाम मराठे और अंग्रेज एक साथ थे, इसलिए ये त्रिगुट हो गए, और हैदर अली जो थे अकेले लड़ रहे थे इस संधि में, मतलब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि से ये युद्ध समाप्त हो जाता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त होता है, तो मद्रास की संधि से समाप्त होता है। अगला हम देखते हैं, 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवो के युद्ध में हैदर अली को परास्त कर दिया। तो पोर्टो नोवो के युद्ध में किसने जो है हैदर अली को परास्त किया, तो आयरकूट ने। कब किया, 1781 ईस्वी में किया, तो ये याद रखिएगा। अगला हम देखेंगे, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। तो टीपू सुल्तान जो है अपनी राजधानी किसे बनाता है, श्रीरंगपट्टनम को, और यहीं पे जो है जैकोबियन क्लब का सदस्य बनता है और उसकी स्थापना भी करता है। तो जैकोबियन क्लब की स्थापना कौन करता है, टीपू करता है, और उसका सदस्य भी ये बनता है। ये फ्रांसीसी एक क्लब था, उसकी स्थापना करता है। टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किए। तो टीपू सुल्तान जो है आधुनिक पद्धति से अपना विदेशों में दूतावास स्थापित किया, जैसे आज के दूतावास हैं वैसे ही इसने स्थापित किए थे।
और 1782 में आपके हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, जो सेकेंड आपका आंग्लो मैसूर युद्ध चलता है उस टाइम पे जो है आपका हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है टीपू सुल्तान शासक बनता है और फिर वो युद्ध को कंटिन्यू करता है। आगे हम देखते हैं, तो टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। कहाँ पे हराया था? तो पोल्ली लूर में हराया था। तो ये याद रखने वाली बात है कि पोल्ली लूर में किसको हराया गया, ब्रिटिश सेना या अंग्रेजी सेना को हराया गया। किसने हराया? आपका टीपू सुल्तान ने हराया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में हम देखते हैं, ये कब से कब तक हुआ? तो 1790 से 92 में हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि से ये युद्ध समाप्त होता है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अंग्रेजों की तरफ से कौन था? तो कार्नवालिस था। और मैसूर से कौन था? तो आपका टीपू सुल्तान लड़ रहा था। इसमें क्या होता है, टीपू सुल्तान जो है 3 करोड़ रुपए अंग्रेज को देता है। क्यों देता है? क्योंकि टीपू सुल्तान इसमें हार जाता है, तो इस वजह से 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को इसमें देने का वादा किया गया इस संधि में। अगला हम देखेंगे, तो चौथी संधि होती है, मतलब चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध होती है, जिसमें टीपू को जो है 1799 में मारा जाता है। कौन मारता है? तो अंग्रेजों द्वारा जो है लड़ते हुए टीपू सुल्तान मारा जाता है यहाँ पे। तो अगला हम देखेंगे सेकंड बारे में, तो सेकंड के बारे में हमने कुछ भी नहीं बताया, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। ये कब से कब होती है? तो 1780 से 84 के बीच में होती है। अंग्रेज कौन होता है उस टाइम पे नेतृत्व करता है? तो वारन हेस्टिंग करता है। और ये जो है मंगलोर की संधि से समाप्त हो जाती है, पहली आपकी मद्रास की संधि से, दूसरी आपकी मंगलोर की संधि से, तीसरी आपकी श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त होती है। तो ये तीनों ही युद्ध ऐसे समाप्त होते हैं और ये मिलाने के लिए दिया जाता है। तो फर्स्टली क्वेश्चन तो ये रहता है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध, और कब से कब के बीच होता है? तो ये होता है आपका 1767 लेके 1769 के बीच होता है। और फिर सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध मिलाने के लिए देता है, तो ये आपका होता है 1780 से लेके 84 के बीच होता है। और थर्ड जो होता है वो होता है आपका 1790 से 92 के बीच, 1790 से 92 के बीच। और फोर्थ जो होता है आपका 1799 में होता है। फर्स्टली तो ये आपका डेट मिला, मतलब ईयर मिलाने को देता है। सेकंड में आपका ये मिलाने को देता है कि पहली जो संधि होती है किससे समाप्त होती है, तो मद्रास की संधि से। सेकंड आपकी समाप्त होती है मंगलौर की संधि से, मंगलौर। थर्ड आपकी होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त होती है। तो ये तीनों ही याद रखिएगा और ये मिलाने के लिए भी याद रखिएगा, क्योंकि ये मिलान भी देता है संधि को भी और ईयर को भी। तो देखते हैं हम अगला हमारा पॉइंट है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में, जो कब से कब होती है? तो 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक होती है। इसमें आंग्ल मतलब मराठों की तरफ से कौन था? तो महादजी सिंधिया की मध्यस्थता होती है इसमें। 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि से ये समाप्त हो जाता है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो आपका ये पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक होता है? तो 1775 से 82 में। और ये कौन सी संधि से समाप्त होता है? तो सालबाई की संधि से ये समाप्त होता है। कब होता है? 1782 में। और इसका मराठों की तरफ से नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो महादजी सिंधिया थे, जिन्होंने मध्यस्थता की थी। अब हम देखते हैं बेगम समरू के बारे में। बेगम समरू का एक जो चर्च है वो प्रसिद्ध है, कहाँ पे है? वो मेरठ में है। तो इसके बारे में हम देखेंगे, बेगम समरू का कार्यकाल क्या था? तो 1750 लेके 1836 तक ने। तो बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ पे कराया? तो मेरठ के निकट सरधना में कराया था, मतलब मेरठ के सरधना में कराया था। तो यही इनके लिए एक फेमस है कि बेगम समरू ने मेरठ में किस चर्च का निर्माण कराया? सरधना में एक चर्च का निर्माण कराया था। और इनका कार्यकाल क्या था? तो 1750 से लेकर 1836 ईस्वी तक। अगला हमारा पॉइंट है महाराणा रणजीत सिंह ने लाहौर में और अमृतसर में तोपों के निर्माण के लिए एक आधुनिक ढलाई खाने की स्थापना की थी। तो आधुनिक ढलाई खाने की स्थापना किसने की थी तोपों के निर्माण के लिए? तो महाराजा रणजीत सिंह ने किया थी। कहाँ पे की थी? तो लाहौर और अमृतसर। ये जिस तरह से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं वैसे ही फॉर्म में ये पूछा जाता है। पहली बात तो तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई कारखाने की स्थापना किसने की? तो रणजीत सिंह ने की। कहाँ पे की? तो अमृतसर और लाहौर में की। अगला हम देखेंगे, आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों पर का संस्कृत में अनुवाद किया था। तो आमेर के कौन थे राजा? तो सवाई जयसिंह थे, जो इनका द्वितीय रहता है, ये भी याद रखिएगा। सवाई जयसिंह द्वितीय
ना कि फर्स्ट, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये कहाँ के राजा थे? आमेर के। यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों के आधार पर इन्होंने संस्कृत में अनुवाद किया। अगला हम देखेंगे, मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रीरंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। तो मैसूर में जो है टीपू सुल्तान द्वारा एक मंदिर का निर्माण कराया गया, जो कौन सी मंदिर थे? तो श्रृंगेरी की मंदिर थी, और इसमें जो है देवी शारदा की मूर्ति स्थापित की गई, और उसके लिए किसने धन दिया था? तो टीपू सुल्तान ने दिया था। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा गवर्नर, वायसराय और गवर्नर जनरल, इसको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगला चैप्टर है हमारा फोन नंबर, गवर्नर, वायसराय या गवर्नर जनरल। पॉइंट है हमारा फर्स्ट, 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ये 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इन्हें बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 1834 में विलियम बेंटिक को क्या बनाया जाता है? भारत का गवर्नर जनरल। पहला ही क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसे प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया भारत का, तो ये थे आपके विलियम बेंटिक। और कौन से एक्ट के तहत बनाया? 1833 के एक्ट के तहत इन्हें बनाया गया था। अगला है हमारा, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो सबसे पहले जो है आपका बंगाल का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो क्लाइव को नियुक्त किया गया था। इनका कार्यकाल क्या था? तो 1758 से लेके 1760 तक था, और दूसरी बार ये जब बन के आया तो इनका कार्यकाल था 1765 से 67 तक। अगला हम देखेंगे क्लाइव के बारे में, इम्पॉर्टेंट जानकारी है उसके बारे में देखेंगे। तो क्लाइव का पुनः भारत आगमन कब होता है? 3 मई 1765 में। क्लाइव के समय असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए। क्लाइव ने जो है सैनिक तथा असैनिक दोनों ही सुधार किए। असैनिक सुधारों के अंतर्गत हम देखेंगे क्लाइव ने उपहार लेना, निजी व्यापार करना बंद करा दिया। अंग्रेज अधिकारी जो कंपनी में नियुक्त थे उनको कहा कि ना आप लोग निजी व्यापार कर सकते हैं, ना ही भारतीयों से उपहार ले सकते हैं। ये दोनों ही इनको बंद करा दिया गया। आंतरिक कर देना अनिवार्य कर दिया गया। इन्होंने कहा कि अब आंतरिक कर आपको देना पड़ेगा। सैनिक सुधारों में इन्होंने क्या किया? तो दोहरा भत्ता बंद करा दिया। दोहरा जो भत्ता दिया जा रहा था अभी तक कंपनी के द्वारा, उसको भी बंद करा दिया। जबकि बंगाल बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे जो लोग, जो सैनिक कार्य करते थे, उनको जो है दोहरा भत्ता देने का कहा गया कि दोहरा भत्ता उन्हीं को मिलेगा जो बंगाल या बिहार की सीमा से बाहर काम कर रहे हैं, उनको दिया जाएगा, और जो अंदर काम कर रहे हैं उनको नहीं दिया जाएगा दोहरा भत्ता। अगला हम देखेंगे, जन प्रशासन की नींव किसने रखी? तो वॉरेन हेस्टिंग द्वारा जो है मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना किसने दी? तो कार्नवालिस ने दी। तो जन प्रशासन की पूछा जाता है कि जन प्रशासन की नींव किसने रखी? वॉरेन हेस्टिंग ने रखी, और इसकी जो संरचना निर्माण किसने किया? तो कार्नवालिस ने किया था। कार्नवालिस के बारे में और भी जानकारी है हमारे पास। तो कार्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानूनों में सुधार इन्होंने किया, प्लस आपका पुलिस सुधार भी किया, और कर संबंधी सुधार तथा व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की इन्होंने नींव रखी थी। तो इन्होंने कितने सुधार किए? आपका पहला तो न्यायिक में किया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फौज जिसमें आपका फौजदारी कानूनों में सुधार, पुलिस में सुधार, कर संबंधी सुधार, और प्लस व्यापार में भी इन्होंने सुधार किया था। तो मोस्टली आपका न्यायिक, पुलिस और कर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कार्नवालिस के बारे में। लॉर्ड डलहौजी जो है इनका कार्यकाल क्या था? तो सॉरी 1848 से लेके 1856 तक लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था। तो लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत, व्यपगत सिद्धांत जिसको इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, के अंतर्गत 1848 ईस्वी में इन्होंने सतारा को मिलाते हैं मतलब अपने ब्रिटिश शासन में मिलाते हैं। 1849 में इन्होंने जैतपुर और संभलपुर को 1805 में इन्होंने बघाट को, और 1852 में उदयपुर को, 1854 में झांसी को और नागपुर को विलय कर लिया। किसमें किया? तो ब्रिटिश शासन में विलय कर लिया। इसको क्रम से लगाने के लिए पूछा जाता है कि 1848 में किसका विलय किया? तो 1848 में इन्होंने सतारा को किया। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, ऐसे याद कर लीजिएगा आप लोग इसको। इसमें एक ट्रिक हम लोगों ने बनाई थी कि उदय हुआ सज सवरकर, तो इसकी जो ट्रिक थी सज सवरकर उदय हुआ झांसी में नाग, तो इस तरह से स आपका सतारा हो जाएगा, ज आपका जैतपुर हो जाएगा, फिर संभलपुर हो जाएगा, बर आपका बघाट हो जाएगा, और उदय आपका उदयपुर हो जाएगा, और झांसी, झांसी है ये,
और नाग जो है आपका नागपुर हो जाएगा। तो ये ट्रिक थी, और इसका जो आपका ईयर है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी पूछा गया कि 1848 में सतारा को मिलाता है, कौन मिलाता है, डलहौजी मिलाता है, और 1849 में जैतपुर और संभलपुर को एक साथ मिलाया जाता है, फिर 1850 में बघाट को, 1852 में जो है उदयपुर को, 1854 में झांसी और नागपुर को साथ में मिलाया जाता है। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे हम देखेंगे डलहौजी के बारे में ही। डलहौजी जो है 1856 ईस्वी में डलहौजी ने जो है अवध का विलय किया। तो अवध का विलय किसने किया था? डलहौजी ने किया था। और किस आधार पे किया था? तो इसने बताया था कि कुशासन के आधार पे जो है कि अवध में जो है अच्छा शासन नहीं चल रहा है, यहाँ पे कुशासन चल रहा है, इस आधार पे जो है हम अवध का विलय करते हैं। तो ये रिपोर्ट जो दिए थे, तो इन्होंने जो है डलहौजी ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया था जिसका नाम था जेम्स आउट्रम। इनकी रिपोर्ट थी कि कुशासन के आधार मतलब अवध में जो है कुशासन चल रहा है, उस आधार पर डलहौजी ने अवध का विलय किया था। तो आगे हम देखेंगे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो क्लाइव को माना जाता है। अगला है हमारा बनारस विद्रोह। बनारस विद्रोह के बारे में देखें, राजा चेस सिंह द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया। बनारस विद्रोह किसके नेतृत्व में किया? राजा चेस सिंह के द्वारा 1781 में। गवर्नर जनरल वारिंग हेस्टिंग थे उस टाइम पे, जो भाग कर चुनार के किले में शरण लेते हैं। तो गवर्नर जनरल उस टाइम वारेन हेस्टिंग थे, और इन ये क्या करते हैं, भाग कर कहाँ शरण लेते हैं? तो चुनार के किले में शरण लेते हैं। तो राजा चेस सिंह के डर से भागे थे ये। अगला हम देखेंगे पॉइंट है हमारा फोन नंबर, कलकत्ता में जो है कहाँ पे? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। कब की गई? तो 1784 ईस्वी में की गई थी। के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। तो वारेन हेस्टिंग के समय जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है कलकत्ता में, और ये कब की जाती है? तो 1784 ईस्वी में की जाती है। अगला है हमारा सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति वारेन हेस्टिंग और वेलेजली से संबंधित है। तो ये पूछा जा सकता है आपका, यह पूछा भी गया है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति कौन ले आया था? तो वारेन हेस्टिंग प्लस वेलेजली, अगर दोनों होगा तो दोनों लीजिएगा, अगर एक होगा ऑप्शन में तो एक को मानिएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति को रिंग फेंस नीति भी कहा जाता है। इंग्लिश में दिया हो, हिंदी में दिया हो, या किसी भी तरीके से दिया हो, तो आप तीनों को ही याद कर लिए। सुरक्षा प्रकोष्ठ, घेरे की नीति, रिंग फेंस नीति, ये तीनों एक ही हैं। इनको कौन लाता है? तो वारेन हेस्टिंग होगा, तो वारेन हेस्टिंग, नहीं तो वेलेजली। अगला हम देखेंगे हमारा वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने बने दोहरी शासन, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने जो है दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त किया। यहाँ जो दोहरी शासन प्रणाली है इसे हम क्या कहते हैं, द्वैध शासन प्रणाली को 1772 में किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। किसके कहने पे? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कहने पे समाप्त कर दिया था बंगाल से। ये द्वैध शासन की नीति बंगाल में शुरू कब होती है और किस कौन करता है? तो क्लाइव करता है आपका। कब किया जाता? तो बक्सर के युद्ध के बाद ही ये आपका बंगाल में द्वैध शासन नीति शुरू हो जाती है, जिसको समाप्त कौन करता है? वारेन हेस्टिंग कब करता है? तो 1772 ईस्वी में। ये सारे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर आपको बिलीव ना हो रहा है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन UPPCS प्लस आप RO ARO को उठा के देख सकते हैं। आगे आपका RO ARO का क्वेश्चन पढ़ाया भी जाएगा, बताया भी जाएगा, उसमें भी आप देख लेंगे। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव ने की थी। कब की थी? 1765 में की थी। वारेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण इस पर क्या है, महाभियोग का मुकदमा भी चलाया गया था। किस पे? वारेन हेस्टिंग के पर। और इसको जो है मुक्त भी कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों की नीति जानते ही हैं, उनके लिए जो अच्छा काम करता है उनके लिए वो इतना हो ही जाते हैं रिलायबल। आगे देखेंगे हम वेल्लोर या वेल्लोर विद्रोह जो कब हुआ था, 1806 ईस्वी में। मद्रास सेना के भारतीय सैनिकों ने एक विशेष प्रकार की पगड़ी पहनने, दाढ़ी मुड़वाने तथा तिलक न लगवाने के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो वेल्लोर या वेल्लोर का विद्रोह कब क्यों हुआ था? तो अंग्रेज ऐसा चाहते थे कि ये पगड़ी ना पहने, प्लस दाढ़ी मुड़वा ले, अपना तिलक ना लगवाए, ये सारी चीज़ें ये कर ले, तब जाके ये सेना में भर्ती हों, इसीलिए यह विद्रोह किया गया भारतीय सैनिकों के द्वारा। आगे हम देखेंगे इसी में, तो इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो जॉर्ज बार्लो था, बार्लो। बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना भी इसी के टाइम पे हुई थी। किसके टाइम पे? जॉर्ज बार्लो के टाइम पे। 1757 की क्रांति का पूर्वगामी भी इसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो वेल्लोर का युद्ध को कहा जाता है।
अगला हम देखेंगे पॉइंट है हमारा 1793 ईस्वी में कार्नवाली संहिता शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत पर आधारित थी। तो कार्नवाली संहिता किसके द्वारा लाई जाती है, तो कार्नवालिस के द्वारा ही लाई जाती है। कब लाई जाती है, 1793 ईस्वी में। इसमें मेन इसका थीम क्या है, तो शक्तियों के पृथककरण का सिद्धांत इसी पर आधारित है। इसमें क्या था आपका पृथककरण में, तो कर और न्याय व्यवस्था को जो है अलग अलग करना, आपका भू राजस्व अलग कर दिया जाए और न्याय व्यवस्था को अलग कर दिया जाए, यही इसमें मेन थीम थी। आगे हम देखें किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा, तो किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है। तो ये इसका गठन किसने किया था, तो कार्नवालिस ने किया था। सिविल सेवा का गठन किसने किया, कार्नवालिस ने किया। उस टाइम पे कार्नवालिस ने किया था, जो आज सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है, जिसे आप UPSC कहते हैं। तो ऐसे भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। इसकी नींव किसने रखी है, कार्नवालिस ने रखी है। किसान दरोगा को कंपनी बहादुर किसानों शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि मानते थे। किसान जो है दरोगा को क्या मानते थे, कंपनी बहादुर किसानों शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि मानते थे। अगला हम देखेंगे कार्नवालिस के बारे में एक जानकारी है कि कार्नवालिस की कब्र कहाँ है, तो गाजीपुर में है, यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो कब हुई थी आपका, 1793 के दौरान हुई थी। 1786 से लेकर 1793 तक इनका कार्यकाल था। भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में ये जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं, कार्नवालिस, क्योंकि इन्होंने ही सिविल सेवा का नींव रखा था। आगे हम देखेंगे ये आपके यूपी में मरे हैं, कहाँ पे, गाजीपुर में। कौन मरा है, तो कार्नवालिस, याद रखिएगा, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अब वेलेजली के बारे में हम देखते हैं, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि। अब लॉर्ड वेलेजली ने कौन सी संधि लाए हैं, तो सहायक संधि लाए हैं, और इसी के बारे में अब हम देखते हैं। दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाई जाए, ये इनकी सहायक संधि के बारे में हम बताएंगे कि लॉर्ड वेलेजली चाहते थे कि दूसरों के खर्च पर, यानी राजाओं के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाई जाए। यहाँ पे भारत को नेपोलियन के खतरे से कैसे सुरक्षित, मतलब खतरे से सुरक्षित रखा जाए, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित किया जाए। तो ये इनकी थीम थी कि सहायक संधि के तहत ये क्या करेंगे कि दूसरों के खर्च पर अपनी एक सेना बनाएंगे, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखें, ताकि ये इजली व्यापार यहाँ से करते रहें, भारत को लूटते रहें, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्थापित कर लें, राजाओं के ऊपर जो है वहाँ पे देसी रियासतों के ऊपर ये अपनी पकड़ बना के रखें, ताकि राजा इनकी सुनते रहें और इनको धन देते रहें। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था, ये पूछा जाता है आपका कि लॉर्ड वेलेजली द्वारा जो सहायक संधि लाई गई उसको सबसे पहले किसने स्वीकार किया, तो मराठों ने स्वीकार किया था। और ये सरदार कौन था, तो आपका पेशवा बाजीराव द्वितीय था, याद रख लीजिए, कौन था, पेशवा बाजीराव द्वितीय। ये जो है 1802 ईस्वी में बसिन की संधि के द्वारा ये स्वीकार कर लिया गया सहायक संधि को। अगला देखते हैं हम, पॉइंट हमारा 13 है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था, तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक आपका अवध का नवाब, जिस कब स्वीकार किया, तो 1765 में स्वीकार किया था। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में डिफरेंस करना है, क्योंकि एक ही चीज़ को दो तीन बार से पूछा गया, मतलब दो तीन तरीके से। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि वेलेजली की मराठों द्वारा पहले संधि कौन स्वीकार करता है, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय करता है। अगर ओवरऑल में आपको पूछा है सहायक संधि कौन सा राज्य स्वीकार करता है, तो अवध का नवाब, जो ये डुप्ले के द्वारा प्रारंभ होती है, तो सबसे पहले ये डुप्ले के द्वारा जो है अवध का नवाब स्वीकार करता है, जो कब करता है, 1765 में। अब वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए, तो कौन होगा, हैदराबाद, जो कब स्वीकार करता है, तो 1798 में करता है। पहला राज्य आपका हैदराबाद है। मराठों में पूछा जाए तो आपका पेशवा बाजीराव द्वितीय है। अगर टोटल पूछा जाए सहायक संधि को किसने स्वीकार किया, तो अवध का नवाब डुप्ले के द्वारा ये थी, उस टाइम पे स्थापित थी। तो आगे हम देखेंगे कि हैदराबाद के बाद और वेलेजली की सहायक संधि कौन स्वीकार करता है। तो हैदराबाद प्रथम राज्य था, जो कब किया करता है, तो 1798 में। फिर मैसूर करता है 1799 में। तंजौर करता है आपका 1799 में। अवध करता है 1801 में। पेशवा 1802 में। बरार के भोसले 1803 में। सिंधिया 1804 में। इंदौर के होलकर 1818 में करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अवध जो है 1801 में दिया है, क्योंकि ये वेलेजली के अकॉर्डिंग है। अगर डुप्ले के अकॉर्डिंग पूछेगा तो आपको 1765 में अवध का नवाब करता है, ये याद रखिएगा।
अगला हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, सहायक संधि करने का उद्देश्य क्या था इसमें, तो अंग्रेजों की प्रभुसत्ता को स्थापित करना ये इनका मुख्य उद्देश्य था। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशाही हो रहे थे, किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी, तो वो था आपका वेलेजली। वेलेजली ने उस टाइम पे अपनी ब्रिटिश को सर्वोच्चता प्रदान की, तो किसने की थी, आपका वेलेजली ने किया था। अगला हम देखेंगे आंग्ल नेपाल युद्ध के बारे में, जो कब होता है, तो 1814 से लेकर 1816 ईस्वी में होता है। इस टाइम पे अंग्रेजों का नेतृत्व कौन करता था, तो ये आपका लॉर्ड हेस्टिंग करता है। इस टाइम पे गवर्नर जनरल था, 1813 से लेकर 1823 तक लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल रहता है, जो कि 1815 की सुगौली की संधि से आपका ये युद्ध समाप्त हो जाता है, आंग्ल नेपाल युद्ध। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ, तो 1814 से लेकर 1816 किस संधि से समाप्त होता, तो सुगौली की संधि से समाप्त हो जाता है। उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड हेस्टिंग था, याद रखिएगा, आंग्ल अफगान युद्ध के टाइम पे। टॉमस मुनरो 1820 से लेकर 1827 तक इसका कार्यकाल होता है, मद्रास के गवर्नर रहे थे। तो टॉमस मुनरो आपका मद्रास का गवर्नर कब रहा था, 1820 से लेकर 1827 ईस्वी में। आगे हम देखेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में हम देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन है, तो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड दोनों को ही जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, तो कहाँ लागू की गई थी, दक्षिण भारत में। सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में जो है लागू किया गया था। तो सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले तो जन्मदाता कौन थे, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, ये कहाँ लागू की गई थी, तो दक्षिण भारत में लागू की गई थी। ये क्या है आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो भू राजस्व वसूली के लिए इसे लाया गया था। और सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था, तो तमिलनाडु के बारामहल ज़िले में इसे लागू किया गया था। उसके बाद जो है इसका क्षेत्र पूछा जाता है, मद्रास बम्बई के कुछ हिस्से में लागू की गई थी, प्लस आपका असम में और कुर्ग के, मतलब कर्नाटक के कुर्ग ज़िले में भी लागू किया गया था। रैयत मीन्स होता है किसान, रैयत मीन्स क्या होता है, किसान। इसका मतलब था कि डायरेक्ट जो है किसानों से अंग्रेजों द्वारा लगान वसूल की जाती थी, इसमें कोई मध्यस्थता का काम नहीं करता था। जैसे आपके बंदोबस्त में मध्यस्थता का काम कौन करता था, तो जमींदार होता था। आगे हम देखेंगे कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया, किसने ले लिया था, तो वो विलियम बेंटिक था। तो कुशासन के आधार पर जो है मैसूर राज्य के प्रशासन को किसने लिया था, तो विलियम बेंटिक ले लिया था। जबकि अवध के कुशासन के आधार पर किसने मिलाया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने मिलाया था। कब मिलाया था, 1856 में अवध को मिला लिया था। आगे हम देखते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय या संबंधित था उससे, तो ये थे आपके लॉर्ड कर्नवालिस जो थे। ये आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1790 से लेकर 92 में हुआ था। उस टाइम पे मतलब कौन थे गवर्नर जनरल, तो आपके लॉर्ड कर्नवालिस थे। अब आप ये बताइएगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में किया गया, तो ये आपके कैप्टन स्लीमैन थे, इनके नेतृत्व में जो है ठगों का उन्मूलन किया गया। और बेंटिक ने इनको कहा था कि आप ठगों का उन्मूलन कीजिए, मतलब किसने आदेश दिया था, तो विलियम बेंटिक ने दिया था। उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, ये भी याद रखिएगा। विलियम बेंटिक के सामाजिक सुधार हम देखेंगे, बेंटिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, तो इनके सामाजिक सुधारों के बारे में पूछा जाता है। सती प्रथा का सबसे पहला सामाजिक सुधार क्या था, सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ, तो 1829 में हुआ। ये नियम 17 के तहत जो है सती प्रथा का उन्मूलन किया जाता है, कब किया जाता है, तो 1829 में। उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन होता है, तो विलियम बेंटिक होता है। दास प्रथा का उन्मूलन भी इन्हीं के समय में होता है, कब होता है, 1833 ईस्वी में। ठगों से संबंधित जो या संगठित गिरोह थे उनका भी दमन इसी के टाइम पे किया जाता है, किसके द्वारा, स्लीमैन के द्वारा। आदेश किनका होता है, तो बेंटिक का होता है। अगला हम देखते हैं संथाल परगना के राजमहल क्षेत्र में प्रथम ब्रिटिश कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड द्वारा आदिवासियों की उन्नति हेतु हिल असेंबली प्लान को कार्यान्वित किया गया था। तो संथाल परगना में जो है राजमहल के प्रथम कलेक्टर कौन थे उस टाइम पे, तो क्लीवलैंड थे, क्लीवलैंड
इनके द्वारा जो है आदिवासियों की उन्नति के लिए एक हिल असेंबली प्लान को कार्यान्वित किया गया है। अगला देखते हैं, 1789 ईस्वी में घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। 1789 ईस्वी में घोषणा हुई कि बंगाल से अब दासों का निर्यात बंद कर दिया जाए। अगला हम देखेंगे, किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की, तो जो है डलहौजी ने जो है ये किसने जो है विलय की नीति जो है नियोजित और क्रियान्वित की, मतलब उसको लागू किया अच्छे से, तो ये थे आपके डलहौजी जी, जिनका नाम क्या है या वास्तविक नेम इनका क्या था, तो जेम्स एंड्रयूज रैमजे डलहौजी का नाम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये विलय की नीति हमेशा यही लेके आए हैं। अवध का विलय इन्होंने किया, आपका सतारा संबलपुर जैतपुर इन सभी का विलय किसने किया था, डलहौजी ने किया था। इनका वास्तविक नेम क्या है, जेम्स एंड्रयूज रैमजे। अगला है हमारा, एलन बरो का काल कब था, तो 1842 से लेकर 44 ईस्वी के दौरान। अगस्त 1843 में जो है, तो 1843 में चार्ल्स नेपियर ने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। यह फर्स्ट आंग्ल अफगान युद्ध का प्रमुख परिणाम था। तो पहला आंग्ल अफगान युद्ध जो परिणाम क्या था कि इसने जो है चार्ल्स नेपियर ने जो है ब्रिटिश साम्राज्य में किसको मिला लिया था, तो सिंध को मिला लिया था। अगला हम देखेंगे, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था, तो डलहौजी ने किया था। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्किम का विलय भारत में किसने किया, तो डलहौजी ने किया था। अगला हम देखेंगे, आउटरम की रिपोर्ट के तहत जो है अवध का विलय किया जाता है 1856 में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई है, तो ये आपके डलहौजी के समय बिछाई गई है। और कहाँ से कहाँ बिछाई गई है, तो बम्बई से लेकर ठाणे के बीच बिछाई गई थी। कब बिछाई गई थी, अप्रैल 1853 में। कंपनी रेल लाइन बिछा रही थी वो कौन सी थी, तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ये आपकी कंपनी थी। अगला हम देखते हैं कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके काल में हुआ था, तो डफरिन के समय में हुआ था। संपूर्ण बर्मा साम्राज्य को जो है 1886 में मिला लिया गया था, तो ये अंतिम जो है विस्तार था, उसके बाद जो है विस्तार नहीं किया गया। तो सब लास्ट में किसको मिलाया गया था, तो बर्मा को मिलाया गया था, यानी आज का म्यांमार को मिलाया गया था। आगे हम देखेंगे, पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे, तो ये डलहौजी जी थे जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से लेके 55 के दौरान स्वरूप दिए या उसको स्थापित किए, तो किसने किया था, डलहौजी ने किया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया, तो ये आपके लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था। तो कैनिंग का शासनकाल कब था, तो ये आपका था, तो इनके कार्यकाल में ही आपका 1857 की क्रांति भी देखी जाती है। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लाया गया, तो 1856 में लाया गया था। और ईश्वरचंद विद्यासागर ने इसमें प्रयास किया था, इनके ही प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास आउट हुआ था। आगे हम देखेंगे, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया किसने किया, तो ये जो है 1858 की सामग्री की घोषणा के तहत हुआ कि पहले जो है उत्तराधिकार के उसमें, तो उत्तराधिकार जो थे जो गोद लिए हुए बेटे थे उनके, उसको जो है फिर से स्थापित किया गया। जैसे झांसी का विलय किया गया या झांसी पर आक्रमण किया गया, तो इसी आधार पर किया गया था कि उनके जो पुत्र थे वो गोद लिए हुए थे, उनके असली बेटे तो मर गए थे और जो दूसरा लिए थे उन्होंने गोद लिया था, इसलिए झांसी का विलय कर लिया जाता है। तो 1858 की जो है सामग्री की यानी महारानी की घोषणा के वास्ते ऐसा करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है कि अब ऐसा नहीं किया जाए, गोद लिए हुए उत्तराधिकारी को भी मान्यता प्रदान की गई। फिर उसके बाद से राजसी उपाधि अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 ईस्वी में पारित किया जाता है। इसी में महारानी विक्टोरिया को जो है 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की सामग्री घोषित की जाती है कि ये भारत की सामग्री है, यानी महारानी हो गई हैं, अब ये भारत की महारानी बन चुकी हैं। तो ये कौन से अधिनियम के तहत होता है, तो ये आपका 1876 अधिनियम पारित होता है उसके तहत होता है, ये भी याद रखिएगा। और कब घोषित होती है, तो 1877 में दिल्ली दरबार आयोजित होता है, उसी में इनको घोषित किया जाता है। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था,
एलनबरो का तो 1842 से लेकर 44 तक था, और 1843 में इन्होंने एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किया। कार्नवालिस के बारे में हम देखेंगे, तो कार्नवालिस ने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशलता आक्रमणिता, तो यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा सा मिस्टेक हुई। कार्नवालिस जो है 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को ले आता है, जबकि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता की नीति कौन लाता है, तो जॉन लॉरेंस लाते हैं। ये कहाँ पे लाते हैं, तो ये अफगानिस्तान का जो एरिया होता है वहाँ पे इन्होंने लागू किया था चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति। किसने लागू किया था, जॉन लॉरेंस ने। कार्नवालिस ने जो है 1793 में स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली लेके आए, इन्हीं को जनक भी कहा जाता है स्थायी बंदोबस्त का। द्वितीय आंग्लो मराठा युद्ध के बारे में हम देखेंगे, ये कब से कब तक होता है, तो 1803 से लेकर 1805 तक द्वितीय आंग्लो मराठा युद्ध होता है। इस टाइम कार्यकाल किसका था, तो बेलेजली का कार्यकाल चल रहा था। अगला हम देखेंगे थर्ड आंग्लो मराठा युद्ध के बारे में, तो ये था आपका 1817 से लेकर 1818 ईस्वी में। उस टाइम अंग्रेज नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो लॉर्ड हेस्टिंग थे, और मराठा इसमें पराजित हुए थे। 1818 ईस्वी में पेशवा की गद्दी समाप्त कर दी गई थी। तो आपका थर्ड आंग्लो मराठा युद्ध में जो है 1818 में पेशवा की गद्दी को समाप्त कर दिया गया। इससे पहले आपका पेशवा बना हुआ था, अब जो है पेशवा की गद्दी को समाप्त कर दिया गया है। किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1817 से 1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की, तो ये थे आपके चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ को ही कहा जाता है कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता है ये। तो इस तरह से आप इनके बारे में एक दो पॉइंट याद रख लीजिएगा जो इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे फर्स्ट आंग्लो नेपाल युद्ध के बारे में, जो कब हुआ, तो 1814 ईस्वी में हुआ था। ये जो है सफलता नहीं मिलती है आंग्लो नेपाल युद्ध को, लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। सेकेंड जो है आपका आंग्लो नेपाल युद्ध कब हुआ, तो 1815 में होता है। इसमें जो है अल्मोड़ा में जीत लिया जाता है, ये कहाँ पे होता है, तो अल्मोड़ा में होता है। और किस कौन नेतृत्व करता था, आवटर लोनी जो है इसके नेतृत्वकर्ता होते हैं। और इसमें जो है सुगोलू की संधि होती है जो 1815 में होती है। इसका क्षेत्र क्या होता है, तो कुमाऊ, गढ़वाल, सिमाला या शिमला जिले प्राप्त होते हैं। इसमें किसको प्राप्त होते हैं, तो ये मोस्टली अंग्रेज़ों को ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि अंग्रेज ही जीतते हैं इसमें। अगला हम देखेंगे एलनबरो के लिए। एलनबरो ने जो है सिंध का अंग्रेजी राज्य में अगस्त 1843 में विलय कर लिया। तो एलनबरो ने क्या किया था, सिंध को विलय कर लिया था। कब किया था, तो 1843 में। वेलेजली के बारे में हम देखेंगे, वेलेजली जो है चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में ये नेतृत्वकर्ता थे। तो चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध का नेतृत्वकर्ता कौन था, वेलेजली था। कब हुआ था चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध, 1799 में हुआ था। फर्स्ट आंग्लो अफगान युद्ध कब हुआ, तो 1839 से लेके 42 ईस्वी में हुआ था। इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, तो ऑकलैंड थे आपके, कौन थे, ऑकलैंड। सेकेंड आंग्लो अफगान युद्ध जो है कब होता है, तो 1878 से लेके 1880 ईस्वी में होता है। इस टाइम आपके गवर्नर जनरल कौन होंगे, तो लॉर्ड लिटन होंगे, कौन होंगे, लॉर्ड लिटन। अगला है हमारा, तो फ्रेंड्स ये थोड़ा फैक्चुअल जानकारी है, क्योंकि गवर्नर जनरल और वायसराय का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में आरंभ होता है। तो वित्तीय विकेंद्रीकरण कब आरंभ होता है, 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में होता है। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में होती है, कब होती है, तो 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई, किंतु लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ये नियमित रूप से जनगणना होने लगी। हर 10 वर्ष में आपका जनगणना कब से शुरू हुआ, तो 1881 से। लेकिन पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में, किसके कार्यकाल में, मेयो के कार्यकाल में। तो आप मेयो का कार्यकाल देख सकते हैं, तो 1869 से लेके 72 तक। अगला हम देखेंगे, किस वायसराय की हत्या जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे तब कर दी गई। तो जो है ये आपके लॉर्ड मेयो ही हैं जिनकी हत्या कहाँ पे हुई थी, अंडमान निकोबार में। ये किसने किया था, एक जनजाति समुदाय के व्यक्ति ने की थी। तो आपका ये पूछा जाता है कि पहले ऐसे वायसराय कौन है या गवर्नर जनरल कौन है जिनकी हत्या आपका अंडमान निकोबार में हुई थी, तो ये आपके लॉर्ड मेयो होंगे।
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन ये आपका पुटअप हुआ है पहले ही। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपके लिटन जी थे। आगे हम देखते हैं कार्यकाल गवर्नर जनरल का। जैसे करजन का कार्यकाल आपका रहेगा 1899 से लेके 1905 तक, टोटल 7 वर्ष का इनका जो है कार्यकाल होता है। डफरिन का कार्यकाल 1884 से लेके 1888 4 वर्ष का होता है। हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल आपका 1910 से लेके 1916 तक होता है, 6 वर्ष का होता है। अमेयो का कार्यकाल आपका 1869 से लेके 72 तक, टोटल 3 ईयर का होता है। तो ये पूछा गया था आपका सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका है, तो सबसे ज़्यादा कार्यकाल आपका करजन का है। ये आपका क्वेश्चन पुटअप हुआ है। अगला हम देखेंगे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएँ 1882 ईस्वी में सशक्त की गई, ये किसके द्वारा की गई? तो ये आपके रिपन के द्वारा की गई। स्थानीय आपका स्वायत्त शासी संस्थाएँ, पंचायत के बारे में बात हो रही है, तो पंचायत की स्थापना किसने की थी? आपका रिपन ने की थी। इनके ये जन्मदाता भी माने जाते हैं, तो याद रखिएगा रिपन के बारे में। रिपन ने ही आपका नियमित जनगणना भी करवाई थी। कब से की करवाई थी? तो 1881 से करवाई थी। अब देखते हैं हम इल्बर्ट बिल विवाद के बारे में, जो कब आता है? तो 1883 ईस्वी में आता है। यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना, इससे संबंधित था ये आपका इल्बर्ट बिल विवाद। इसमें ये था कि जैसे जो आपके अंग्रेज हैं उनके जो न्यायाधीश होंगे वो भारतीय ना हो, वो अंग्रेज न्यायाधीश हो, मतलब अंग्रेज ही न्यायाधीश हों, उन्हें ये जो है वही जो कहेंगे वही सही होगा, बाकी भारतीय मुकदमा नहीं लड़ सकते थे। यही इल्बर्ट बिल विवाद का पूरा मामला था 1883 में जो आया था आपका विवाद। आगे हम देखेंगे आपके इल्बर्ट बिल विवाद में यही कहा गया कि यूरोपियों का मामला सिर्फ यूरोपीय ही सुने, भारतीय ना सुने, मतलब भारतीय जज ना बने यहाँ पे। आगे हम देखेंगे रिपन के कार्यकाल के बारे में। इनके कार्यकाल में जो है प्रथम फैक्ट्री अधिनियम आती है 1881 में, जिसमें क्या कहा गया? तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम के कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम से रोक दिया गया कि ये अब फैक्ट्री में आके काम नहीं कर सकते हैं। 7 वर्ष के और 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि जो है दिन भर में कितने घंटे वो काम करेंगे वो निर्धारित की गई। तो ये टोटल 9 घंटे, 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बच्चे 9 घंटे तक काम करेंगे दिन भर में। अब महीने में 4 दिन की छुट्टी का भी इसमें प्रावधान किया गया कि महीने में 4 दिन की छुट्टी इन्हें दी जाएगी। अगला हम देखेंगे NH लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। तो मजदूर आंदोलन को संगठित कौन किया था आपका? तो NH लोखंडे ने किया था। अगला पॉइंट है हमारा बेंटिक के कार्यकाल में ही मैकाले द्वारा आधुनिक शिक्षा की प्रणाली की नींव रखी जाती है। बेंटिक के कार्यकाल में ही मैकाले द्वारा जो है आधुनिक शिक्षा की नींव रखी जाती है। ये जो है आपका मैकाले द्वारा 7 मार्च 1835 को प्रस्ताव द्वारा उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा क्या होगी? अंग्रेजी होगी, ये तय करते हैं। कौन करता है? मैकाले तय करते हैं। याद रखिएगा मैकाले जी तय करते हैं 1835 में कि उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा क्या होगी? अंग्रेजी होगी। अब हम देखते हैं चार्ल्स मेटकॉप के बारे में। चार्ल्स मेटकॉप ने प्रेस से जो है प्रतिबंध हटाया था, इसलिए जो है मेटकॉप को कहा जाता है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, इन्हें कहा जाता है। कि इस किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने प्रेस से प्रतिबंध हटा दिया था, जो ब्रिटिश द्वारा लगाया गया था प्रतिबंध उसको इन्होंने हटाया था। अगला है हमारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो ये आपके करजन के काल में हुई थी। ये आपका पूछा जाता है कि किसके काल में जो है आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी? करजन के काल में। कब हुई थी? 1901 में हुई थी। और जॉन मार्शल जो थे महानिदेशक नियुक्त किए गए थे इस टाइम पे। कब नियुक्त किया गया था? जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बना उस टाइम पे जॉन मार्शल जो है आपके महानिदेशक नियुक्त किए गए। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1904 में आया था। किसके शासनकाल में आया था? तो ये करजन के द्वारा लाया गया था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा करजन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा तथा मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए तो 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था। किस लिए किया था? क्योंकि आपकी इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत हो सके, ऐतिहासिक इमारतों और की सुरक्षा हो सके, ये इसीलिए प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया? तो करजन के द्वारा लाया गया था। अगला है हमारा भारत में करजन के प्रशासन की तुलना
औरंगजेब से किसने की थी? तो भारत में करजन के प्रशासन की तुलना जो है औरंगजेब से किसने की थी, तो ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था ऐसा। अगला हम देखेंगे, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, करजन ने 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। उद्देश्य क्या था इस स्थापना करने की? तो देसी नरेशों से राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा प्रदान करना, ये इनका उद्देश्य था करजन का। अब हम देखेंगे इरविन और चेम्सफोर्ड का कार्यकाल। तो इरविन ने जो है 1926 से लेकर 1931 तक इनका कार्यकाल था, और चेम्सफोर्ड का कार्यकाल जो था 1916 से लेकर 1931 तक था। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, इरविन का कार्यकाल 1926 से 31 तक और चेम्सफोर्ड का कार्यकाल जो था 1916 से लेकर 21 तक। अगला हम देखेंगे, ये आपका क्वेश्चन पुटअप था, इस वजह से बीच में इसको डाल दिया गया है। असैनिक प्रशासन 1905 के बारे में हम देखते हैं। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। तो ये बात सही है आपका कि असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कर्जन ने कहा कि प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय इन्होंने लिया था, तभी तो आपका बंगाल विभाजन हुआ था। पूर्वी बंगाल और आसाम नामक नया प्रांत इन्होंने इसके तहत बनाया। आगे हम देखेंगे इन्होंने और क्या किया। फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई, किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो करजन प्लस मिंटो दोनों के द्वारा जो है फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई। करजन ने क्या किया? तो करजन ने जो है मुस्लिम समर्थक हिंदू विरोधी नीति अपनाई, और मिंटो ने क्या किया था? तो मिंटो ने जो है फूट डालो राज करो की तहत जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित किया था, जबकि करजन ने क्या किया? तो बंगाल का विभाजन ही कर दिया, हिंदू मुस्लिम में दंगे करा दिए थे। तो दोनों ही याद रखिएगा कि किसने क्या किया है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, और मेरी यही बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होगी, मतलब इनकी ये बड़ी इच्छा थी कि ये भारत में रहें और इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं, मतलब ये आपका कांग्रेस विनाश हो जाए, पूरी तरीके से नष्ट हो जाए, मैं यही चाहता हूँ। ये किसने कहा था? तो ये करजन ने कहा था। करजन उस टाइम बंगाल विभाजन के टाइम पे ये गवर्नर जनरल थे, उस टाइम पे गवर्नर जनरल तो नहीं कहेंगे क्योंकि उस टाइम पे वायसराय आ गए थे, तो गवर्नर जनरल या वायसराय एक ही बात थी। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो ये आपके लॉर्ड रीडिंग थे। कब से कब तक इनका कार्यकाल था? तो 1921 से 26 तक। इसके समय जो है चौरी चौरा कांड होता है, प्लस आपका स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है, और क्या होता है? तो रोलेट एक्ट का निरसन होता है, मतलब समापन होता है। तो ये सब किसके टाइम पे होता है? लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे होता है, मतलब इनका कार्यकाल रहता है। चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी और रोलेट एक्ट, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनके ईयर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि आपको भी याद रहे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 ईस्वी में लीटन के कार्यकाल में पारित किया गया। तो ये कौन लाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को? तो लीटन लाया था। कब लाया था? 1878 में लाया था। इसे जो है मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहते हैं। एसएन बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा। तो एसएन बनर्जी ने क्या कहा? सूर्यनाथ बनर्जी ने इसे क्या कहा था? आकाश से वज्रपात हो रहा है, ऐसा इन्होंने बोला। सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश सहचर आदि के विरुद्ध मामले दर्ज कर किए गए। ये सभी समाचार पत्र थे और इनके विरुद्ध जो है ये प्रेस लाया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और इनके विरुद्ध कार्यवाही की गई थी। आगे देखेंगे हम, ठगी का दमन कौन करता है? तो बेंटिक करते हैं, मतलब बेंटिक का कार्यकाल होता है, करते कौन है? स्लीमन करते हैं। अगला हम देखेंगे, लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया। ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है कि लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था या द्वितीय था, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये द्वितीय था। इसके टाइम पे जो है कलकत्ता से दिल्ली का हस्तांतरण होता है राजधानी का। 1911 में जो है जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी को भारत बुलाया जाता है और विभाजन को रद्द किया जाता है। इसी में जो है बंगाल विभाजन रद्द होता है, जब 1911 में जॉर्ज पंचम कौन आता है ये भी ध्यान, जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी आती। अगला हम देखेंगे, बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन था। तो यहाँ से ये हमारा पॉइंट हो गया कि बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल जो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन था। अगला हम देखेंगे अगला नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पंजाब का विलय कब होता है? तो 1849 में होता है, और इसी टाइम दिलीप सिंह की मृत्यु भी हो जाती है या इन्हें अपदस्थ कर दिया जाता है।
सिक्किम का विलय कब होता है, तो 1850 में। ये आपका पूछा जाता है कि सिक्किम का विलय कब हुआ, तो 1850 में किसने किया था, डलहौजी ने किया था। बर्मा का विलय कब हुआ, तो 1853 में। झांसी का विलय कब हुआ, तो 1854 में। और यहीं पे अवध का विलय कब हुआ, तो अवध का आपका 1856 में, याद रखिएगा 1856 में हुआ था। तो इस तरह से हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। और PDF को परचेज करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ पे आप मैसेज करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।